तुम सियाने मेरे साथ जी जीना रहो बिखे रस लाग पाऊ पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग उठ खड़े रहो जाग श्री धनी जी के लागू पाए। अक्षरातीत धाम धनी ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर यह जो प्रकाश की वाणी थी है, यह प्रकाश की वाणी हमारे हृदय में सत्य का प्रकाश करने वाली है, इसलिए इसको जब्बूर कहते हैं। सत्य के प्रकाश का तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत कहाँ है? जब यह जागनी लीला चल रही है तो इस जागनी लीला में अक्षरातीत कहाँ है? गादी पर बैठे हुए बिहारी जी के अंदर है या श्री मिहिराज के अंदर है? इस निर्णय को सुंदर साथ में दर्शाना प्रकाश ग्रंथ का मूल लक्ष्य है। हफ्से में उतरती है ये प्रकाश की वाणी, राज प्रकाश खटृति और कलश गुजराती की दो चौपाइयां। बिहारी जी महाराज गादी पर बैठ चुके हैं और आप जानते हैं कि संसार की प्रवृत्ति होती है, उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, डूबते सूरज को कोई प्रणाम करना नहीं चाहता। इससे जो गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, चाहे उसका व्यक्तित्व तो कैसा भी हो, दुनिया यह नहीं देखती है, वो ये देखती है कि गादी पर जो बैठा है उसकी हमें बात माननी है। इसलिए तब केतिक गिरो उदय भई और केतिक भई मेरे साथ, दई जाहिर मसनन नसलिए दूजी बातून मेरे हाथ। जाहरी गदी पर बिहारी जी बैठे हैं, सुंदर साथ ये समझ रहे हैं कि देखिए मिहराज तो बिहारी जी के चरणों में प्रतिदिन शीश झुकाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बिहारी जी ही राजी हैं, उनके अंदर धाम धनी बैठे हैं, तभी तो मिहराज जी अपना शीश झुका रहे हैं। यह भेद पड़ा रहा सुंदर साथ इस जंजाल में न फंस जाए, उसके लिए यह प्रकाश की वाणी है जिसमें इंद्रावती जी ने साफ किया। सही तो मेरी बाई रतन मोहे मिले छवि लेलाल, करी मुझे सुहागनी अब मैं हुई निहाल। ये खटुति की वाणी, कल उस खटुति का समय रहेगा। खटुति में जो कहा इंद्रावती जी ने, एनिध मोबिन कोणे न मल्यो, जब बिहारी जी ने ये चौपाई पढ़ी बीतक में यह संदर्भ आता है, सुन बिहारी जी चमके खटुति के वचन। यही बात उनको बुरी लगी कि इसमें तो मिहराज कह रहे हैं कि मेरे सिवा राज्य किसी को नहीं मिले। जैसे इंद्रावती की आत्मा ने धाम धनी को पाया जागने लीला में, हमारे लिए भी वैसा ही अवसर है। उस समय इतना सुनहला अवसर नहीं था जो छठे दिन की लीला में सुंदर साथ को मिला है, क्योंकि उस समय तो वाणी उतर रही थी, अपना रास्ता उन्हें स्वयं बनाना था। आज तो हमें बना बनाया रास्ता दे दिया गया, तभी तो कहा है प्रकाश वचन हृदय में धर। धाम धनी ने क्या कहा? पिछले कारण ये वाणी कही, आने वाले सुंदर साथ कैसे जागृत होगा वाणी के वचनों को अपने हृदय में धारण करके। पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, चरने हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। यदि आज प्रकाश की वाणी नहीं होती तो हम और आप भी क्या करते, हम भी गादी के पीछे चले चलते। प्रकाश गुजराती में एक चौपाई आती है, जन्म अंध अमे जे हता, हम जन्म से अंधे थे, यानी जब से इस संसार में आए थे हमें यह पहचान नहीं थी कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं और हमारा प्रीतम कौन है, कहाँ है, क्या लीला करता है। जन्म अंध अमे जे हता तेता तमे देखिता करया, मेरे प्राण बल्लभ अक्षरातीत आपने हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलकर यह इस योग्य बना दिया, हम जान सकते हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है और हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है।
वासो बचुटो हाथी जमपुरी जाता वली कर गया, लेकिन जब आपने श्री देवचंद जी का तन छोड़ा तो हम वासो बचुटो हाथ थी जमपुरी जाता, हमने जमपुरी का मार्ग पकड़ लिया था, वली कर गया फिर से आपने पकड़ लिया। वासो बचुटो हाथ थी, हम आपके दर्शाए हुए मार्ग पर चल नहीं सके, आपके आपकी पीठ पकड़ना यानी आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सके। हमने मूल स्वरूप से किनारा कर लिया, हमने किसको मान लिया, गादी पर। गादी की हमारे समाज में इतनी महिमा गाई जाती है, क्या कोई सोचता है गादी की महिमा क्या है? कल्पना कीजिए मैं जिस गद्दे पर बैठा हूँ इसकी महत्ता नहीं है। कोई भी गादी को कौन बनाएगा, एक लुहार और एक दर्जी, जैसे चाहिए जितनी गादियाँ बना लीजिए। यदि आप चितवनी नहीं करेंगे, वाणी नहीं पढ़ेंगे, अपने ईमान को परिपक्व नहीं करेंगे तो गादी पर फूल चढ़ाने से आपकी आत्मा कभी जागृत नहीं हो सकती। हाँ, कोई महापुरुष किसी ऊंचे स्थान पर बैठता है तो बिना उसकी स्वीकृति के उसकी बराबरी में बैठना नहीं चाहिए, ये शिष्टाचार कहलाता है। यहाँ तक तो महत्ता है कि हाँ किसी व्यक्ति के आसन पर बिना उसकी स्वीकृति के नहीं बैठना चाहिए, लेकिन एक अक्षरातीत के सिवाय किसी भी जड़ पदार्थ का पूजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवाणी के सिवाय हमें किसी को भी पूजन करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो फोटो हो, चाहे चित्र हो, चाहे वृक्ष हो, खड़ाऊ हो, कुछ भी हो। ये अवश्य है जहाँ परमहंसों की जो कोई समाधि होती है, ऐसे परमहंस जिन्होंने मार्फत की अवस्था में अपना आध्यात्मिक स्तर बनाया होता है उनकी समाधियों का सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन आरती पूजा उनकी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपनी श्रद्धा के दो फूल रख दीजिए, यहाँ तक चल सकता है, लेकिन भोग लगाना, आरती करना ये उचित नहीं। आरती भोग केवल एक अक्षरातीत का होना चाहिए। अब इस जागनी लीला में इंद्रावती जी क्या कह रही है, इस चौपाई से पहले के प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहा है, तुम जाने मेरे साथ जी जिन रहो विखे रसला। बहुत बड़ी बात कही है, तुम सियाने मेरे साथ जी जिन रहो बिखेर रसलाग। सियाना किसको कहते हैं, जो बहुत चतुर होता है। लेकिन हमारी चतुराई का क्या फल जब हम इस तत्व को न जाने कि जिन विषयों के पीछे हम भाग रहे हैं वो विषय कभी भी हमें शांति नहीं दे सकते। शांति कहाँ है, परब्रह्म के चरणों में। जब तक सच्चिदानंद परब्रह्म की शोभा हमारे हृदय मंदिर में नहीं बसती है, हमारे हृदय मंदिर में कभी भी शांति नहीं हो सकती है। उपनिषदों ने एक स्वर में कहा है, तम आत्मस्थम ये अनुपस्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वतम न इतरेषां। अपने आत्मा में स्थित होकर जिसने उस परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया उनके पास शाश्वत शांति नहीं हो सकती है। हम सुंदर साथ भी शांति के लिए भटकते हैं, प्रेम के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए हर कोई भटकता है, लेकिन हम शांति कहाँ खोजते हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है। जब सरसावा में कार्यक्रम शुरू हुए तो भोजन पर सख्ती की गई, कुछ जो हमारी परंपरा में चला आ रहा था आप जानते हैं, बड़ी बड़ी अचार की फांके, तीखी तीखी मिर्चें, खूब ब्लैक टी। जब ये नहीं मिला, कितने सुंदर साथ ने कहना शुरू किया कि सरसावा जाने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ तो मनपसंद खाना ही नहीं मिलता है। हमारी शांति किस में है, लाल मिर्च में, अचार में, काफ़ी में, चाय में, पूछा जाए क्या इसमें शांति है? जिन सुंदर साथ को तम्बाकू खाने की आदत पड़ जाती है उनको तम्बाकू छुड़ाइए, वो व्याकुल हो जाते हैं। तम्बाकू से उनको शांति मिल नहीं सकती, लेकिन उसी के पीछे भागते हैं, भागते भागते सारी उम्र गुजर जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम बूढ़े नहीं होते, तृष्णा हम बूढ़े हो जाते हैं, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। जितना विषयों का भोग करेंगे उस विषय का संस्कार उतना ही हमारे अंदर प्रबल होता जाएगा,
और परिणाम क्या होगा, हम और भोगी बनते जाएंगे। अफीम जी जितना ही अफीम पिएगा कि आज शांति हो जाएगी कल से नहीं पीऊंगा, परिणाम क्या होगा, जो उसने अफीम खाया अफीम खाने का संस्कार और दृढ़ बन गया। जैसे पहली बार कोई एक चम्मच शराब को हलक में उड़ेलेगा बहुत कड़वी लगेगी, दूसरे दिन दो चम्मच उड़ेलेगा तो सहन कर लेगा, तीसरे दिन एक चम्मच से संतोष नहीं होगा थोड़ा और बढ़ाएगा, और कुछ वर्षों के बाद इतना पियक्कड़ हो जाएगा कि एक एक बोतल एक दिन में खर्च करेगा, हो सकता है एक बोतल से भी संतुष्टि न हो। जैसे जैसे उसका शरीर जीर्ण होता जाएगा, यदि उसके अंदर विवेक पैदा नहीं हुआ पूर्व के संस्कारों से, किसी महापुरुष के सत्संग से या ज्ञान का प्रकाश हुए बिना विषयों के भोग से कभी भी विषय के प्रति विरक्ति नहीं पैदा हो सकती है जब तक उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश न हो जाए। रजनीश ने एक गलत सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मन में तृष्णा है तो भोग लो, इतना भोगो कि मन में विरक्ति आ जाए तब तुम परमात्मा की तरफ लग सकते हो, यानी संभोग से समाधि तक उन्होंने प्रवचन दे डाला और ये किताब बहुत दुनिया में बिकी। लेकिन यह सिद्धांत हमारे दार्शनिक सिद्धांतों के विपरीत है। वाजिद अली शाह ने कितना सुख नहीं भोगा, अकबर के हरम में न जाने हजारों महिलाएं रहती थी, जबरन रखी गई थी, क्या अकबर को शांति मिली, वाजिद अली शाह को शांति मिली, या याति को शांति मिली जिन्होंने अपने बेटे का यौवन लेकर अपना बुढ़ापा दिया, विषयों का भोग किया लेकिन शांति नहीं मिली। अंत में यही कहा, न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन उपसम्यत वर्तते कृष्ण हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। आग में घी डालने पर जैसे आग और तेज होती जाती है वैसे ही किसी भी विषय के भोग से कभी भी कामना की शांति नहीं होती है बल्कि वह कामना और बढ़ती जाती है। उसी तरह से सुंदर साथ को भी सोचना होगा कि हम संसार के विषयों में जितना लिप्त होएंगे संसार उतना ही हमें अपनी तरफ खींचता जाएगा। लागोगे जो दुख को दुख तुमको लाग से, याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भाग से। हम दुखी क्यों हैं, कुछ भी होता है हम दोषी किसको बना देते हैं, राजी ने बहुत दुख दे दिया है। वाणी कहती है, मेहरबान न देवे दुख किनको, मारे सबो तकसीर, क्या राय रानी बादशाह क्या मीर पीर फकीर। जो मेहर का सागर है क्या किसी ने कभी देखा है, कि गुलाब से दुर्गंध आते हुए किसी ने देखा है, चंद्रमा की किरणों से किसको तपन महसूस होती है, पानी पीने से प्यास बढ़ती नहीं है पानी पीने से प्यास घटती है, लेकिन कोई कहे कि पानी प्यास को बढ़ा रहा है तो ये उचित नहीं है। वैसे ही अक्षरातीत कुछ भी हो जाए अक्षरातीत का स्वरूप दुखदायी नहीं हो सकता। धनी न देवे दुख तिल जीता, तिल जीते का तात्पर्य नाम मात्र को, जो देखिए बचन बिचारी जी, दुख अपन को जो होते हैं सो माया करते हैं भारी जी। हम माया को महत्ता दे रहे हैं, मायावी सुखों के पीछे भाग रहे हैं और उन सुखों के पीछे ही तो हम दुखी हो रहे हैं। सामान्य वस्त्रों से सामान्य भोजन से हमारा कार्य चल सकता है, लेकिन यदि हम 5 स्टार वाले कल्चर में अपने को आसक्त कर लेंगे तो उतने धन की पूर्ति के लिए हमें हाय तोबा मचानी पड़ेगी, हम अशांत होंगे और परिणाम क्या होगा, हम स्वयं दुखी रहेंगे। हम अत्यधिक धनोपार्जन के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठा के लिए दिन रात परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन यदि 2 घंटे 1 घंटे नहीं आधे घंटे भी अपने प्राणेश्वर को जी भरकर देखने के लिए प्रेम की दृष्टि से निहारने के लिए समय नहीं देख सकते तो दुख को तो न्योता हमने स्वयं दिया है। फिर उस दुख की निवृत्ति के लिए और सागर जो मेहर का सो का पाठ करते रहेंगे, कहेंगे कि राज जी 2 महीने पाठ करते हो गए आप हमारी इस दुख को क्यों नहीं टाल रहे हैं, राज जी क्या करेंगे। हम मेहर सागर के रूप में माया की चीजें मांगते हैं ताकि ये चीजें और हमें मिल जाए और हमें लिप्त हो जाए, राज जी भी अपने कान बंद कर लेंगे क्योंकि आपकी मांग ही गलत होती है। फिर आपकी आस्था घटने लगती है कि हनुमान जी के पास जाने पर तो ये सब मिल जाता था, राज जी क्यों नहीं दे रहे हैं।
राज्य तो वही देंगे जो आपकी आत्म जागृति के लिए उपयोगी होगा। हम उनको पहचान नहीं पाते। प्रकाश वाणी का एक ही उद्देश्य है धाम धनी की पहचान। ये खेल क्यों बना? पहचान देने के लिए। हमारी एक प्रवृत्ति बन चुकी है अपने अवगुणों को छिपाना, अपनी महिमा को दर्शाना और राज्य पर तोहमत गढ़ देना। राज्य को क्या जरूरत थी हमें इस खेल में भेजने की? यानी अस्राफील अक्षर का फरिश्ता, जिसके ज्ञान की एक बूंद से ये संसार का सारा ज्ञान चल रहा है, और उसका प्रीतम अक्षर ब्रह्म, अक्षर के प्रीतम अक्षरातीत को समझ नहीं है, और हमारे जीव की बुद्धि में इतनी समझ आ गई कि राज्य ने बहुत गलती कर दी हमें इस खेल में भेजकर। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। सबसे बड़ी यदि मेहर की है राज्य ने, तो हमको माया के खेल में लाकर के मेहर की है। आपको मेरी बातें बहुत अजीब लगती होगी। परम धाम में जो मेहर नहीं की, वो इस जागने के ब्रह्मांड में मेहर की। अपने दिल को लुटाने के लिए ही ये खेल बनाया है। पिता पुत्र साथ रहते हैं, पुत्र पिता को नहीं पहचान पाता, न पिता पुत्र को पहचान पाता है, हो सकता है। गुरु शिष्य साथ रहते हैं, दो मित्र साथ रहते हैं, दोनों अपना हृदय एक दूसरे को नहीं सौंपेंगे तो कोई किसी को पहचान नहीं सकता। परम धाम में अनादिकाल से रहते हुए हो गया था। दायम होत विवाद यही रसना बलवास्ते खेल दिखाया सुभान। क्या सबका कहना था कि राजी हमारा प्रेम पड़ा है? राजी बताना चाह रहे हैं कि इस वहदत में मेरा और तुम्हारा कहां से आ गया? परम धाम क्या है? दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का, जो खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात बका। हम कौन है? कभी आप सोचते हैं कि आप कौन हैं? इस दुनिया की दृष्टि से आप देखेंगे, दुनिया आपको चोर कह सकती है, डाकू कह सकती है, आचरणहीन कह सकती है, अज्ञानी कह सकती है, काला कलूटा कह सकती है, समाज का पिछड़ा वर्ग का बिल्कुल तिरस्कृत व्यक्ति कह सकती है। लेकिन वास्तव में हम तो ये नहीं हैं। हमारा शरीर ऐसा है, हमारा जीव ऐसा है, हम कौन हैं? मेरी बात ये अजीब सी लगेगी आपको। सुंदर साहब जी, आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? यदि किसी गाधिपति के सामने आपको जाना पड़ता है तो आपकी घिक्की बद जाती है। शंकराचार्य के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए कि आप अपनी फिलॉसफी कुछ बताइए, तो आप कांपने लगेंगे कि शंकराचार्य के सामने हम कैसे खड़े हों, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है, आपको आत्मबोध नहीं है, अपने स्वरूप का पता नहीं है। दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का। परम धाम में क्या राज्य के सिवा कोई और है? आपका शरीर यहां राज्य नहीं बन सकता, आपका जीव राज्य नहीं बन सकता, कोई यहां राज्य नहीं है। लेकिन आत्मा जब इस खेल को देख रही है, जीव भाव में डूब गई है। जीव भाव से हट जाए, परात्म की भावना ले ले, और परात्म के भाव से राज्य के दिल में डुबकी लगा ले, तो दोनों में अंतर क्या रह गया? अंतस्करण आत्म के जब ए रहे समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। राज्य कहते हैं कि ये जो परात्म के तन है मेरे ही तन है। परम धाम में जब राज्य के सिवा कोई दूसरा नहीं है, तो ये कहना कि हम दीन हैं, हीन हैं, असहाय हैं, हमें तो 300 वर्षों से यही सिखाया जाता है कि देखो तुम गृहस्थी हो, तुमको राज्य नहीं मिल सकते। हमने भी ये कर लिया कि अरे हम गृहस्थी हैं, हमको राज्य नहीं मिलेंगे, तो हम हाथ धोकर बैठे रहते। शेर को कह दिया जाए कि शेर तू शेर नहीं है, तू तो गिदड़ है। चार आदमी जब जोर देकर कहते हैं तो वो भी मान लेता है कि हो सकता है ये चार आदमी झूठे थोड़े हैं, हम सचमुच गिदड़ हैं। और ये 300 साल से यही पट्टी पढ़ा दी गई,
तो मैं 5 बार तारतम के सिवाय, चरणामृत प्रसाद के सिवाय कुछ करने की जरूरत नहीं है कि तो गृहस्थी हो, यह तो सब महात्माओं का काम है। सच है, जो महात्मा होते हैं उनके पास अधिक समय होता है, लेकिन आपको भी तो विश्वास रखना होगा कि हमारे अंदर परमधाम की आत्मा है। यदि आप गृहस्थ जीवन में फंसे हैं, हो सकता है उत्तरदायित्व को निभाने में आपका समय ज़्यादा लग जा रहा है, लेकिन यदि आपने अपने विवेक को जागृत किया, एक एक घंटा दो दो घंटा भी देना समय शुरू कर दिया, तो परिणाम क्या होगा? आपकी आत्मा इस संसार से उपरम होने लगती है और आपको अपने स्वरूप का बोध होता जाएगा कि हम वास्तव में क्या हैं। जिन्होंने राज्य का दीदार किया, अपनी परात्म को देखा, अपनी अंतर्दृष्टि नग्न से सिक तक युगल स्वरूप की शोभा को देख लिया, वो समझ जाएंगे कि हम हैं कौन। शरीर से देखेंगे तो आपको शरीर का नाम दिखाई देगा, आपको अपने शरीर का रूप रंग कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, ये सब दिखाई देगा। इस शरीर से ऊपर उठ जाइए, जीव भाव में खो जाइए कि मैं न चित्त हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अंतःकरण हूँ, न इंद्रियाँ हूँ, मैं क्या हूँ? शुद्ध बुद्ध चैतन्य जो अंतःकरण के साथ बंध कर संसार के विषयों का सेवन कर रहा है। मुझे अब इन विषयों का सेवन नहीं करना है, ये संसार का उच्चतम ज्ञान है। लेकिन आपको तो परमधाम की वाणी ये बता रही है कि तुम उस शुद्ध चैतन्य जीव से भी परे कौन हो? परात्म की नजर हो। परात्म ने वो अपना प्रतिबिंब लेकर आत्मा के रूप में इस जीव पर बैठक की है। यदि अपनी अंतर्दृष्टि परमधाम की तरफ करो तो तुम लगेगा कि तुम्हारा मूल स्वरूप धाम धनी के चरणों में बैठे हुए इस खेल को देख भर रहा है। तुम आइया छल देखने, भील गईया मह छल, ये स्थिति है। पहचान देने के लिए खेल बनाया गया, पहचान देने के लिए ब्रजराज का ब्रह्मांड बना, पहचान देने के लिए ये जागनी लीला में हमारे लिए ब्रह्मवाणी आई है, पहचान देने के लिए आपको चितवनी कराई जाती है कि कुछ देर के लिए भी तो शरीर को भूल जाइए, संसार को भूल जाइए, जीव भाव को भूल जाइए, अपनी आत्मा में परात्म का श्रृंगार लेकर अपने मूल स्वरूप को देखिए, अपनी आत्मा के सर्वेश्वर को देखिए। लेकिन पहचान करनी सबसे कठिन है। सबसे कठिन काम मैं क्यों कह रहा हूँ? अनादिकाल से राज्य के साथ प्रेम करते हुए भी राज्य को किसी ने नहीं जाना था, श्यामा जी ने भी नहीं जाना था, सखियाँ कहाँ से जान जाती? परम धाम में सभी वहदत में हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? संसार में बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, पति पत्नी के भी, मित्र मित्र के रिश्ते होते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते होते हैं, गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। घनिष्ठता से साथ रहना अलग है, लेकिन किसी को दिल देना और अपने दिल में बसा लेना और अपने दिल का सारा भेद बता देना बहुत कठिन होता है। चक्रवर्ती सम्राट अपनी महारानी को सारा राज्य सौंप सकता है, लेकिन अपना दिल नहीं देगा, अपने दिल की कोई ना कोई बात छिपाए रखेगा। राज्य ने सोचा कि मैं अनादिकाल से इनसे प्रेम करता रहा हूं, लेकिन यह नहीं बताया कि तुम कौन हो। तभी तो सब कह रहे हैं कि हमारा प्रेम बड़ा और आपका प्रेम छोटा। राज्य बता रहे हैं कि यहां छोटा बड़ा हो कैसे गया, तुमने अलग अपने को क्यों मान लिया? वही अक्षरातीत ब्रज में है, कोई नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि गोपियों की उम्र 15-16 साल है और उनका प्रियतम 1-2 साल का 4 साल का। जिनको पहचान करनी है, जिसकी पहचान करनी हो, तो गोद में बेचारा खेल रहा है, सब समझते हैं कि ये तो बच्चा है, कौन पहचानेगा? एक थोड़े से छाछ के लिए ता यही रखी छहरिया छछियावर छाछ पर नाच नचावे, नाचने वाले की पहचान कौन करेगा? रास में आता है, पहचान तो हो जाती कि ये हमारा प्रीतम है। देवचंद जी के तन में आकर के बैठते हैं, आड़िका लीला की इतनी झड़ी लगा देते हैं कि सब आड़िका लीला को महत्व दे दे रहे हैं, लेकिन जो आड़िका लीला कर रहा है वो किनारे हो जाता है।
न ब्रज में पहचाना, न रास में पहचाना, न परम धाम में अनंत काल से रहते हुए भी किसी को नहीं पहचाना। अब पहचान की वो घड़ी आई, मिहराज के तन से वाणी उतरने लगी है। अक्षरातीत अपना दिल का सारा भेद खोल रहे हैं, जो परम धाम में रहते हुए भी कभी नहीं खोला, और सबको कह दिया तुम्हारे लिए मार्फत का दरवाजा मैंने खोल दिया है। तुम मेरे दिल में डूब जाओ, अपने दिल में मुझे बसा लो और मेरे दिल के सारे भेदों को जान सकती हो। आप देख रहे हैं ना, सामने रिकॉर्डिंग हो रही है। कंप्यूटर चलाने वाला जानता है कि उसके हार्ड डिस्क से अपना संबंध जोड़ेंगे तो उसमें जो कुछ होगा सब दिखने लगेगा, सारी आवाज़ सुनाई देने लगेगी। उसी तरह से आप अपनी आत्मा का तार राज्य के दिल से जोड़ दीजिए, अपने हृदय में उसको बसा लीजिए, तो पता चल जाएगा कि राज्य के दिल में क्या है। यह है मारिफत की अवस्था। हकीकत में लीला होती रही है, हकीकत में श्यामा जी हैं, हकीकत में सखियां हैं, हकीकत में खूब खुशहालियां हैं, सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मारिफत की अवस्था राज्य हर दिन देते हैं। परम धाम में पांचवी भूमिका में मार्फत की लीला होती है, जिसमें न कोई आशिक होता है न मासूक होता है, दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबकर अपने अस्तित्व को भुला दिए होते हैं, लेकिन भूलने के बाद यह बोध नहीं रहता कि यही मार्फत की अवस्था है। मैंने कल रात्रि को आपको एक दृष्टांत दिया था छोटा सा माया का, कि जब पिता पुत्र गले मिलते हैं, भाई भाई गले मिलते हैं, मित्र मित्र गले मिलते हैं, कुछ समय के लिए अपने अस्तित्व को तो भुला देते हैं, लगता है कि यही सब कुछ है, यही तो मार्फत है। हमें राज्य के प्रेम में डूबकर स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना है कि मैं कुछ हूं। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है जो रूह सो करो विचार। सब सुंदर साथ पूछते रहते हैं कब महाप्रलय होगा, कब महाप्रलय होगा, मुझे बहुत हंसी भी आती है, लेकिन कोई पूछता है तो उसकी हंसी नहीं उड़ाई जा सकती, क्योंकि माया में बहुत कष्ट ही कष्ट है। हर कोई सोचता है कि कब इन कष्टों से मुक्ति मिले। कष्टों से तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो सुनहला अवसर आज आपको मिला है राज्य के दिल में डुबकी लगाकर राज्य के दिल के भेदों को जानने का, वो अवसर फिर कभी नहीं मिल पाएगा। याद रखिए, कोई आपका मित्र, कोई भी संग संबंधी अपनी सारी संपदा, अपना सारा पद, सब कुछ दे देगा, आपको अपना दिल नहीं देगा, पत्नी भी नहीं देगी। कुछ ना कुछ बात पत्नी भी छिपाती है, पति भी छिपाता है, गुरु भी छिपाता है, शिष्य भी छिपाता है, सृष्टि का नियम है। राज जी ने कहा कि तो अब तुम्हारे लिए सब कुछ अवसर है, मेरे दिल में कुछ भी है, जो कुछ है सब जान सकती हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं कि राज जी, मैंने आपके दिल में डूबकर, मैं मापा दिल सागर, मैंने राज्य के दिल में डूबकी लगाकर राज्य के दिल के सागरों को माप लिया। इंद्रावती जी तो परम धाम में भी हैं, लेकिन परम धाम की इंद्रावती ने कभी परम धाम में राज्य के दिल में डूबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। जो श्यामा जी को सौभाग्य नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, इस जागनी ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला में राज्य ने हर सुंदर साथ को दिया है और कह दिया विश्वास करी ने दौड़ सी जे तारतम का फल ले सी दे। लेकिन हमको विश्वास ही नहीं आता, हमको तो इतना भी विश्वास नहीं होता कि राज्य हमारे हैं। कह देंगे राज्य हमारे हैं, लेकिन राज्य हमारे आत्मा के प्राण की नली से भी निकट हैं, ये विश्वास नहीं होता। क्या राज्य हमें दर्शन दे सकते हैं? सुंदर साथ पूछते हैं, राज्य क्या हमें दर्शन दे सकते हैं? इसका तात्पर्य आपके अंदर संशय है। पूछा जाए क्या सूर्य प्रकाश दे सकता है? सूर्य का प्रकाश तो फैलता रहेगा। हाँ, आपके और सूर्य के बीच में बादल आ जाएगा, पूरा प्रकाश नहीं आएगा, उस बादल को हटा दीजिए। अपने और धनी के बीच में माया का जो पर्दा है, इस पर्दे को हटा दीजिए, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पल पल दीदार से आपको रोक सके, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो राज्य के दिल में डुबकी लगाने से आपको रोक सके। इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो विखे रसला, यदि इन विषयों में फंसे रहोगे
तो क्या होगा, पांव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग, तुम जागृत नहीं हो पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पांव पकड़ कर कह रही हूं।